बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज अबाउट हीट प्रोडक्शन इन बर्ड्स एंड मैमल। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरह से बर्ड्स और मैमल जो हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर और हीट रेगुलेट करते हैं। अब हम सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा लार्ज स्केल पे देखेंगे। आपको पता है कि जो बर्ड्स और मैमल्स हैं दीज आर एक्चुअली अ वार्म ब्लडेड एनिमल। ये वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब ये है कि एंडोथर्मिक हैं। एंडोथर्म मीन कि अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म से अपनी टेम्परेचर रेगुलेशन की जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ये अपनी बॉडी की हीट को खुद जनरेट करते हैं, इसलिए इनको थर्मियोजेनेसिस भी कहा जाता है। और हीट जनरेशन थर्मियोजेनेसिस ज्यादातर कैसे होती है? कंट्रक्शन ऑफ मसल्स की वजह से। नंबर वन, ये मसल से भी अपनी हीट को रेगुलेट कर सकते हैं, एटीपीएस पंप की वजह से भी। एटीपीएस पंप इंजाइम है, उसकी वजह से भी। ऑक्सीडेशन जब होती है फैटी एसिड की, स्पेशली ब्रोन फैट एडिपोज टिश्यूज में, तो उसके थ्रू भी हीट प्रोड्यूस करते हैं। एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जो बाकी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उनके नतीजे में भी ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर बेसिक वेज विच आर यूज्ड बाय द बर्ड्स एंड द मैमल्स टू प्रोड्यूस हीट, टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ डज दे रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर बाय द मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। एवरी टाइम मसल्स सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, और जो एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन के फिलामेंट्स हैं मसल्स में, वो स्लाइड करते हैं ओवर ईच अदर, और हाइड्रोलाइसिस होती है एटीपी मॉलिक्यूल की। हाइड्रोलाइसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। आपको पता है एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक्चुअली जो एटीपी है, एटीपी दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनिन होता है और शुगर मॉलिक्यूल होता है, और उसके पास होते हैं तीन फॉस्फेट, इसलिए इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक बॉन्ड टूटने की वजह से बहुत ज्यादा हीट बॉडी में प्रोड्यूस होती है, दैट इज इन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर की मौजूदगी में ये बॉन्ड टूटेगा तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। तो मसल्स में एक्टिन और मायोसिन के जो फिलामेंट्स हैं मसल्स में, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। स्लाइड के नतीजे में हाइड्रोलाइसिस होती है, और हाइड्रोलाइसिस जो है वो हीट को जनरेट करता है। एटीपी का बॉन्ड ब्रेक करता है, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट में ट्राइड डाई में कन्वर्ट हो जाता है। वॉलेंट्री मस्कुलर वर्क भी होता है और इनवॉलेंट्री मस्कुलर वर्क भी होता है। एक्चुअली जो वॉलेंट्री मस्कुलर वर्क है दैट इज इन आर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में होता है। इनवॉलेंट्री मस्कुलर वर्क दैट इज नॉट इन आर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो बॉडी में हीट मसल्स की हेल्प से जनरेट की जाती है, बोथ थ्रू द वॉलेंट्री मस्कुलर वर्क एंड थ्रू द इनवॉलेंट्री। अगर वॉलेंट्री की बात करें तो जब हम रनिंग करते हैं, फ्लाइंग करते हैं, या जंपिंग, बर्ड्स के जिम्मे में आ जाएगा फ्लाइंग, और ह्यूमन और मैमल्स के जिम्मे में आ जाएगा रनिंग और जंपिंग। अगर आप देखें सर्दियों में भी जो रनर होते हैं दे फील हॉटनेस ड्यू टू रनिंग, रनिंग के नतीजे में स्वेटिंग होती है और इनको हॉटनेस फील होती है, या जंपिंग के नतीजे में रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर जाता है। हमारे कंट्रोल में है, हम जब चाहे रनिंग को स्टॉप कर सकते हैं, जब चाहे जंपिंग को स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरह जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज वॉलंट्री मस्कुलर वर्क। अगर हम इनवॉलंट्री की बात करें तो शिवरिंग, कांपना, कांपने के नतीजे में भी सर्दियों में अक्सर हमें कपकपाहट होती है, ताकि हमारी बॉडी में शिवरिंग होती है, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सके। ज्यादा सर्दी में हम शिवर करते हैं। हीट जनरेशन बाय शिवरिंग, शिवरिंग के नतीजे में इनवॉलेंट्री मस्कुलर वर्क के नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस की जाती है उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस एक्चुअली तो हीट प्रोडक्शन है ना इन बर्ड्स और मैमल्स में, और जो शिवरिंग से बर्ड्स और मैमल हीट प्रोड्यूस करते हैं दैट इज टर्म्ड एज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो मसल्स को हमने पढ़ा कि सबसे पहला पॉइंट था थर्मोजेनेसिस बाय द मस्कुलर कंट्रैक्शन, एंड सेकंड पॉइंट इज हाउ डज एटीपीएज इंजाइम हेल्पफुल टू प्रोड्यूस हीट। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से एटीपीएज हेल्प करते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स हैव अ यूनिक कैपेसिटी टू जनरेट हीट। इनकी यूनिक कैपेसिटी है, इनके पास स्पेसिफिक एंजाइम है। एवोल्यूशनरी ओरिजिन को अगर स्टडी किया जाए तो एवोल्यूशनरी लिए जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसकी बेस पे हमने स्टडी किया कि इनमें एंजाइम पाए जाते हैं, एंशियट एंजाइम पाए जाते हैं, द
एटीपीएस पंप एंजाइम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। जब बॉडी कूल हो जाती है तो थीरोइड ग्लैंड जो होता है, थीरोइड ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है नेम्ड एज थीरोक्सिन। रिपीटेड अगेन, जब बॉडी कूल होती है थीरोइड ग्लैंड एक हार्मोन को रिलीज करता है दैट इज नोन एज थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन क्या करता है, थायरोक्सिन हेल्प करता है, इंक्रीज करता है परमिबिलिटी को एंड सोडियम आयन को लीक होने में इनटू द सेल। अब सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी बढ़ती है और सोडियम आयन जो है वो इनसाइड सेल मूव करता है और इसके नतीजे में एटीपीएस पंप एक्टिवेट होते हैं और इस आयन को आउट ऑफ सेल जो है वो मूव करवाते हैं। रिपीटेड अगेन कि जब बर्ड्स और मैमल्स की बॉडी जो होती है वो कूल हो जाती है तो थीरोइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज करता है जिसे थीरोक्सिन कहते हैं। थीरोक्सिन जो होता है, थीरोक्सिन हेल्प करता है परमिबिलिटी को इंक्रीज करने में, सोडियम आयन इनसाइड मूव करता है, जैसे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है एटीपीए पंप जो है वो क्विकली पंप करता है इन आयंस को। इस प्रोसेस के नतीजे में फिर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होती है, हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में हीट जनरेट होती है, ब्रेक डाउन करता है एटीपी और हाइड्रोलाइसिस होता है। और हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में क्या होता है, वैसे ही सिमिलर जिस तरह शिवरिंग में हुआ था कि मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से हाइड्रोलाइसिस हुआ, यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल की वजह से एटीपीएस पंप की वजह से जो है एटीपी का मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होता है। यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हीट प्रोडक्शन को ट्रिगर करवाते हैं हार्मोन दैट इज नोन एज थायरोक्सिन जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज किया जाता है। तो इस टाइप की टेम्परेचर रेगुलेशन को हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या था कि बॉडी में इनवॉलंटरी मस्कुलर वर्क था और बॉडी में इनवॉलंटरी मस्कुलर एक्शन की वजह से शिवरिंग प्रोड्यूस होती थी और शिवरिंग का प्रोसेस इनिशिएट होता था और शिवरिंग के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती थी। लेकिन एटीपीएस पंप के नतीजे में हार्मोनल कंट्रोल से एटीपी के हाइड्रोलाइसिस होता है, एनर्जी जनरेट होती है, तो इसको कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, जैसे कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनवॉलेंट्री मस्कुलर वर्क है, हीट जनरेट होती है और हीट जनरेशन जो शिवरिंग के नतीजे में होती है उसे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं, और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है वो हार्मोनल एक्टिविटी के इन रिगार्ड में होता है। हार्मोन्स जो हैं वो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ट्रिगर करवाते हैं, तो उसके नतीजे में जो रेगुलेशन होती है उसको नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि किस तरह से ब्राउन फैट्स जो होते हैं बॉडी में, फैट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन में। आपको पता है कि जिस तरह पोलर बियर का आप देखते हैं उसकी बॉडी में फैटी लेयर बहुत हेल्दी होती है, अगर आप बर्ड मैमल्स को देखें तो मैमल्स में भी हेल्दी लेयर होती है फैट्स की जो हेल्प करती है टेम्परेचर के रेगुलेशन में। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ब्राउन फैट इज स्पेशलाइज टाइप ऑफ द फैट। ये न्यू बॉर्न मैमल्स में ब्राउन फैट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। मैमल दैट जो कोल्ड क्लाइमेट में ज्यादा रहते हैं वो हाइबरनेट करते हैं, एंड हाइबरनेट जब करते हैं तो फैट की बहुत बड़ी लेयर को अपनी बॉडी के ऊपर डेपोजिट कर लेते हैं ताकि इंसुलेशन अच्छी हो जाए। ये क्या है, एक ब्लैंकेट के तौर पर ब्राउन फैट हेल्प करते हैं। हाइबरनेट जब करते हैं मैमल्स तो उसमें जो ब्राउन फैट की लेयर होती है बॉडी में अंडर स्किन, स्किन के नीचे, तो ये एक ब्लैंकेट के तौर पर एक्ट करता है। हाइबरनेशन का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है किसी पीरियड स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपनी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट, हार्ट बीट और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कहीं हाई होकर स्लो कर लेता है। ब्राउन कलर ऑफ दिस फैट कम्स इन, ब्राउन फैट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन फैट का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। ब्राउन किस वजह से होता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं इनमें और इनमें जो साइटोक्रोम होता है उसमें आयरन मौजूद होता है, जिसकी वजह से ब्राउन फैट को हम ब्राउन फैट कहते हैं। तो दो वजूहत है जिसकी वजह से हम ब्राउन फैट को ब्राउन फैट कहते हैं, नंबर वन लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक नंबर टू प्रेजेंस ऑफ द साइटोक्रोम विद द आयरन। जो बिनेथ द रिब्स, रिब्स के नीचे डिपॉजिट्स होते हैं और
इन द शोल्डर रीजन में, शोल्डर रीजन में डिपॉजिट्स होते हैं. अ लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट इज प्रोड्यूस व्हेन ब्राउन फैट इज ऑक्सीडाइज. जब ब्राउन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स का आपने ऊपर पॉइंट पढ़ा था, तो जब ब्राउन फैट की ऑक्सीडेशन होती है तो लिटिल एटीपी बनता है, स्मॉल अमाउंट में एटीपी बनता है, और उस एटीपी से बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है. ब्लड फ्लोइंग पास्ट ब्राउन फैट इन हीटेड एंड कंट्रीब्यूट टू द वार्मिंग द बॉडी, और बॉडी को वार्म. लाइक हियर यू कैन सी एक बैट की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि बैट के शोल्डर और रीजन्स में, यहाँ पे शोल्डर है वहां पर ब्राउन फैट्स मौजूद होते हैं. दीज ब्राउन फैट्स, ये जो ब्राउन फैट्स होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इसमें जो ब्लड होता है वो वार्म होता है. ये ब्लड जो है वो कोल्डर रीजन से पास करके नेक्स्ट ब्लड को भी वार्म करता है. तो वार्म ब्लड जो होता है वो ब्राउन फैट्स में होता है, और रेस्ट ऑफ द बॉडी में जो ब्लड होता है उसे वार्मर करता है, मतलब ये खुद गर्म होता है और जैसे ही अपनी हीट पास करता है रिमेनिंग पार्ट को भी वार्म कर देता है, तो इसलिए हम कहते हैं वार्मर ब्लड. ये बैट में दिखाया गया है कि बहुत से मैमल लाइक बैट है, इसमें एडिपोज टिश्यू जिसे आप ब्राउन फैट भी कहते हैं शोल्डर रीजन में मौजूद होते हैं. तो ब्राउन फैट क्या कहते हैं, वार्मर होते हैं. ज्यादा ब्राउन फैट जो होते हैं वार्मर होते हैं, रेस्ट ऑफ बॉडी के नतीजे में ब्लड फ्लो करता है इनसे ब्राउन फैट से, और बाकी बॉडी का ब्लड जो होता है उसे वार्म करता है. तो इस तरह पूरी बॉडी के ब्लड के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में ब्राउन फैट्स हेल्प करते हैं. तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्राउन फैट, और ब्राउन फैट के बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसर्न है कि जो किस तरह से एनिमल जो है वो अपना मेटाबॉलिक रेट स्लो करते हैं. बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है बर्ड्स और मैमल्स होते हैं बहुत ज्यादा हाई होता है, और इस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में भी हीट प्रोड्यूस होती है. लाइक आप पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब्स साइकिल, एटीपी के नतीजे में हीट प्रोडक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी. ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म के नतीजे में होती है. अगर मेटाबॉलिज्म के अलावा हम देखें एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल में कुछ स्पेशलाइज्ड हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है एक्चुअली स्मॉलर रीजन है ब्रेन का, लोकेटेड है एट द बेस ऑफ द ब्रेन. तो हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन की बेस में एक स्मॉलेस्ट रीजन है, पार्ट है ब्रेन का. वो थर्मोरेगुलेशन को कंट्रोल करता है. टू हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेटरी एरिया होते हैं. Let me focus. अच्छा जी, अब जो hypothalamus है control करता है thermoregulation को. Two hypothalamic thermoregulatory area होते हैं. अब दो areas में divide होता है hypothalamus का region. हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए एक को हीटिंग सेंटर कहते हैं, दूसरे को कूलिंग सेंटर कहते हैं. हाइपोथैलेमस में दो बेसिक रीजन होते हैं, इन रीजन को एक को आप कह लेते हैं हीटिंग सेंटर and second is known as cooling center. तो दूसरे को आप कहते हैं कि वो cooling center है. सबसे पहले हम देखेंगे कि heating center जो है वो किस तरह से act करता है. हीटिंग सेंटर किस तरह से हेल्प करता है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए. ये वैजो कंस्ट्रिक्शन करता है, मतलब नैरोइंग द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स को नैरो कर देना, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देना. हीट ज्यादा होगी तो ब्लड नैरो कर देना हीटिंग सेंटर को. वेजो डायलेशन करता है ऑफ द सुपरफिशियल ब्लड वेसल, जो ऊपर वाली सतह पे किन के करीब जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वेजो डायलेशन करते हैं, और इसके नतीजे में बॉडी के हेयर बिल्कुल इरेक्ट हो जाते हैं, सीधे ऊपर को खड़े हो जाते हैं, और फर एंड शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है. तो दोनों तरह की थर्मोजेनेसिस होती है, हार्मोनल थर्मोजेनेसिस भी होती है एज वेल एज इनवॉलंटरी मस्कुलर थर्मोजेनेसिस भी होती है, मतलब शिवरिंग भी होती है नॉन शिवरिंग भी होती है. तो हीटिंग सेंटर का काम है सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स की वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करना, मतलब नैरोइंग द ब्लड वेसल्स के, मतलब वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज अबाउट द कूलिंग सेंटर. हमने अभी पढ़ा हीटिंग सेंटर, अगर हम कूलिंग सेंटर की बात करें, कंट्रोल द वैजो डायलेशन. हीटिंग सेंटर जो था वो वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता था, लेकिन जो कूलिंग सेंटर है ये वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करवाता, ये वैजो डायलेशन करवाता है. वैजो डायलेशन मतलब वो ओपोजिट टू द वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब वाइडनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स. तो ये एक सेपरेट बोथ टू टर्म्स हैं.
लाइक आप पढ़ते आ रहे हैं कि वैजो कंस्ट्रिक्शन और वैजो डायलेशन, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि वैजो कंस्ट्रिक्शन से मुराद होता है ब्लड वेसल्स का तंग हो जाना, और वैजो डायलेशन से मुराद होता है ब्लड वेसल्स का वाइड हो जाना। तो जब कूलिंग होती है तो वैजो डायलेशन होती है ब्लड वेसल्स की, स्वेटिंग होती है पैंटिंग होती है। स्वेटिंग मतलब पसीना आना शुरू होता है, और पैंटिंग मतलब जैसा कि आप पढ़ते हैं कि अपनी बॉडी को शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ कह लेंगे, छोटा छोटा सांस लेना। ओवरऑल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है विद द हाइपोथैलेमस एक्टिंग एज अ थर्मोस्टेटर। थर्मोस्टेटर से मुराद है टेम्परेचर रेगुलेटर के तौर पर एक्ट करता है, ये कूलिंग और हीटिंग दोनों में बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन रिसेप्टर्स भी होते हैं स्किन में, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं टेम्परेचर चेंज को सेंस करने में। वार्म न्यूरॉन रिसेप्टर एक्साइटेड व्हेन द कूलिंग सेंटर एक्साइट्स द कूलिंग सेंटर। जब वार्म न्यूरॉन होते हैं, जब न्यूरॉन बहुत ज्यादा वार्म हो जाते हैं, तो वो कूलिंग सेंटर को एक्साइट करते हैं और इनहिबिट करते हैं हीटिंग सेंटर को। लेकिन जो कूल्ड न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्साइट करते हैं हीट रिसेप्टर्स को और इनहेबिट करते हैं कूलिंग रिसेप्टर को। तो कूल्ड कोल्ड न्यूरॉन्स और वार्म न्यूरॉन दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट काम करते हैं, ऑपोजिट रेगुलेशन करते हैं। नेक्स्ट जब हम हमारा जो पॉइंट है दैट इज हमने पढ़ा कि एस्टिवेशन हो जाती है, हाइपरनेशन हो जाती है, तो किस तरह से हाइपरनेशन और एस्टिवेशन के नतीजे में अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ड्यूरिंग द विंटर वेरियस एंडोथर्म लाइक बैट, वुड वुड चक्स एंड चिपमंक्स एंड ग्राउंड स्क्विरल्स गो इन टू हाइबरनेशन। हाइबरनेट मतलब छुप जाते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में विंटर्स में। तो ये हाइबरनेशन का अमल सिर्फ विंटर तक महदूद होता है। इसमें मेटाबॉलिक रेट स्लो कर लेते हैं, हार्ट बीट स्लो कर लेते हैं, ब्रीथिंग रेट स्लो कर लेते हैं, ताकि बॉडी की ज्यादा एनर्जी जहां जहां यूज हो रही है वो सारे के सारे प्रोसेस को स्लो करके उनकी एनर्जी जो है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में यूटिलाइज करते हैं। मैमल्स प्रिपेयर्ड फॉर हाइबरनेशन, जब हाइबरनेट करने लगते हैं तो उसके लिए पहले तैयारी करते हैं, अपने बॉडी के फैट रिजर्वायर को बढ़ाते हैं, मतलब ब्राउन फैट की तह को बढ़ा लेते हैं, एंड ग्रोइंग लॉन्ग विंटर पैड्स, और अपने जो बाल होते हैं स्किन के ऊपर जो फर होती है उसको लंबा कर लेते हैं पेंट्रेशन को कम करने के लिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हाइबरनेशन में एनिमल जो होते हैं वो ब्राउन फैट्स मैंने आपको बताया इंक्रीज कर लेते हैं, अपने पेल्ट को बढ़ा लेते हैं, मतलब अपने हेयर हेयर जो होते हैं उनके उनकी ग्रोथ बढ़ा लेते हैं, फर की ग्रोथ बढ़ा लेते हैं, और डे लेंथ डिक्रीज करते हैं, स्टिमुलेट बोथ इंक्रीज फैट डेपोजिशन एंड फर ग्रोथ। जब डिक्रीजिंग डे लेंथ, जब डे लेंथ कम हो जाती है, दिन की ड्यूरेशन कम हो जाती है, तो उसके नतीजे में रिदमिकली जो है इंक्रीज होता है ब्राउन फैट की डेपोजिशन भी और फर की ग्रोथ भी। तो यहाँ हमने हाइबरनेशन पढ़ा, हाइबरनेशन का मतलब है कि विंटर में कुछ मैमल्स और बर्ड्स अपने आप को हाइबरनेट करते हैं, और हाइबरनेशन के नतीजे में अपने ब्राउन फैट की लेयर को बढ़ा लेते हैं और पेल्ट अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा लेते हैं, और खुद अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और उसके नतीजे में अपना मेटाबॉलिक रेट स्लो कर लेते हैं, हार्ट बीट स्लो कर लेते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम स्लो कर लेते हैं, और सारी की सारी एनर्जी जो है वो बॉडी को यूटिलाइजेशन में यूज करते हैं, बॉडी की मेंटेनेंस में यूज करते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन में यूज करते हैं, और फैट की लेयर जो है वो टेम्परेचर लॉस नहीं होने देती। अच्छा जी, अगर हम देखें तो सम अदर एंडोथर्म, कुछ दूसरे एंडोथर्म्स भी होते हैं। लाइक हमने पीछे भी पढ़ा कि कुछ ऑर्गेनिज्म एंडोथर्म्स जो होते हैं वो टॉरपोर, मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, हमिंग बर्ड्स की जैसे हमने बात की कि अपना मेटाबॉलिक रेट बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम कर लेते हैं, डोरमेंसी स्टेट में चले जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए बहुत थोड़े वक्त के लिए जाते हैं, तो इसलिए इसको तोरपोर कहते हैं। तोरपोर अलाउ करता है इनको अपनी एनर्जी की नीड्स को कम करने के लिए, रिड्यूस करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। फॉर एग्जाम्पल हमिंग बर्ड जो है वो अलाउ करते हैं बॉडी टेम्परेचर को कि वो 25 डिग्री तक ड्रॉप कर सके एट नाइट, रात के वक्त जब फूड की सप्लाई स्लो है। ये स्ट्रेटजी उन्हें अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करती है, और बहुत हाई लेवल पर जाकर ये एनिमल जो हमिंग बर्ड्स जो हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। अगर हम दूसरे वर्टिब्रेट्स की बात करें, जैसे कि डेजर्टेड एरिया में रहने वाले हैं, पिग्मी माउस एंड ग्राउंड स्क्विरल्स टर्टाइज,
ये क्या करते हैं, डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं समर में, जिस तरह के विंटर में जाते थे, लेकिन अब समर में जो डोरमेंसी पीरियड या अंडरग्राउंड पीरियड जो है वो एस्टिवेशन कहलाता है. एस्टिवेशन मीन्स समर. इन दिस स्टेट बोथ लाइक हाइबरनेशन. एस्टिवेशन में भी ब्रीथिंग रेट स्लो होगा, मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज करेगा, एनवायरमेंटल टेम्परेचर हाई होगा, फूड की कमी होगी, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होगा. तो इस सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए एस्टिवेशन में चले जाते हैं. कुछ एनिमल सच एज बैगर, बियर, ओपसम, रकोन्स एंड स्कंक इंटर इन टू द स्टेट ऑफ प्रोलॉन्ग स्लीप इन द विंटर बिकॉज देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन नियर नॉर्मल. दिस इज नॉट ट्रू हाइबरनेशन. कुछ रकून्स वगैरह पैसम वगैरह बहुत लंबे अरसे के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं विंटर में, लेकिन वो एक ट्रू हाइबरनेशन नहीं है बिकॉज उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल ही रहता है. वो बॉडी टेम्परेचर के साथ कोई भी मैनेजमेंट में डिक्रीज नहीं करते. तो एक्चुअली हाइबरनेशन एस्टिवेशन में बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप करके कॉन्स्टेंट किया जाता है, लेकिन उसमें बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप नहीं किया जाता, नियर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रखा जाता है, इसलिए उसको ट्रू हाइबरनेशन नहीं समझा जाता. तो अब तक हमने जो है वो बर्ड्स और मैमल्स में कुछ प्रोसेस पढ़े थर्मोजेनेसिस के, जिसमें हमने पढ़ा कि इनवॉलंटरी मसल्स की वजह से शिवरिंग होती है और हार्मोनल कंट्रोल की वजह से नॉन शिवरिंग होती है. ब्राउन फैट्स हेल्प करते हैं, और फिर हमने देखा कि ब्राउन फैट्स जो है वो ब्लड को वार्म ब्लड को कूलर ब्लड के साथ हीट एक्सचेंज करके वार्मर करते हैं, बॉडी की रेगुलेशन करते हैं. फिर इसके बाद हमने देखा कि हाइबरनेट कर लेते हैं कुछ बर्ड्स और कुछ एस्टिवेशन में चले जाते हैं, कुछ सॉरी हाइबरनेशन कर लेते हैं कुछ मैमल्स, और कुछ मैमल्स एस्टिवेशन कर लेते हैं, और कुछ बर्ड्स तो पोर के पीरियड में चले जाते हैं, लाइक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर लेना, जस्ट ये नाइट के वक्त स्लो करते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप कर लेते हैं. आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन प्लीज आस्क मी. थैंक यू.